नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राठौड़ MMR टेक्नोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो क्रिएशन के लिए Adobe प्रीमियर 2018 का या फिर उसके पहले कोई भी वर्जन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और ख़ास करके आईफोन के कैमरे से आप वीडियो शूट करते हैं, तो गए दिनों से आप देख रहे होंगे वीडियो को प्ले करते समय, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते समय रेंडरिंग का इशू आ रहा होगा और साथ ही में कोडेक रिलेटेड तमाम तरीके के इश्यूज़ आपको गए कुछ दिनों से फेस हो रहे होंगे। तो इन वीडियोस के कोडेक रिलेटेड इश्यूज को आप कैसे क्या सॉल्व कर सकते हैं, इसी प्रॉब्लम को आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो का आरंभ शुभ होना चाहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक भी नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऐसे खास इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा ही इस चैनल पे मैं आपके लिए लाता रहूँगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो ओल्डर सेटिंग्स था उसका क्या प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा था। ये मैं टेस्ट कर देता हूँ और कीप दिस एज इट इज़। अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड है तो यहाँ पे कूड़ा दिखाई देगा आपको और यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ब्राउज डेस्कटॉप पे कर देता हूँ, ठीक है। हियर वी गो एंड ओल्ड सेटिंग जो नॉट वर्किंग था इसका मैं ये फोल्डर को यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। आई क्लिक ऑन ओके स्टार्ट, मैं इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ और ये जो फुटेज है आप देख रहे होंगे ये मैं यहाँ पे इंपोर्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है दिस फाइल रिक्वायर्स द HEVC कोडेक। जब मैं इसको ओके करता हूँ, जब मेरा इंटरनेट चालू रहेगा नहीं चालू रहेगा तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने 2-4 बार ट्राई किए, ओके किया और ये यहाँ पे ऐसे फिर से प्रॉब्लम आ जाता है, एरर शो करता है द इम्पोर्टर रिपोर्टेड अ जेनेरिक एरर। जब मैं इसको ओके कर देता हूँ तो फिर इम्पोर्ट ही नहीं होता है और भी बहुत सारे एरर्स हैं। उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? उसके लिए सॉल्यूशन ये है कि आपको आपके जो आईफोन के कैमरा है उसमें कुछ चेंजेस करना है। ओके, मैं समझता हूँ कि जो कैमरा सेटिंग्स मैंने आपको सजेस्ट किया वो आपने कर लिया है और उसके बाद अगर आप कोई भी वीडियो फुटेज आपके आईफोन से शूट करेंगे और उसको इंपोर्ट करेंगे प्रीमियर प्रो में तो आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व होना चाहिए। यहाँ पे मैंने अभी सेटिंग्स करके वीडियो फुटेज को इंपोर्ट करता हूँ। ये हियर वी गो विद वन सैम्पल वीडियो फुटेज और यहाँ पे वीडियो फुटेज भी प्रॉपरली इंपोर्ट हो चुका है। लेट्स ड्रैग इट इनटू द सोर्स विंडो, उसमें भी मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। ये देखिए बहुत ही आसानी से और स्मूथली रन हो रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे खास इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा ही आपको इस चैनल पे मिलने जाने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी खास इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।